पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट। 110 से ज़्यादा देशों से भिड़ा भारत। भारत ने इंटरनेशनल इस आईसीसी के इस पूरे के पूरे फॉर्मेट को ही भारत में कर दिया निष्क्रिय। कहा, किसी भी कीमत पर पुतिन की गिरफ्तारी का आदेश भारत नहीं करेगा स्वीकार। दरअसल आपको बता दें, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन में किए गए हमले को लेकर बाकायदा एक तरीके से कहें तो गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया था। आईसीसी के द्वारा जारी किए गए इस गिरफ्तारी वारंट को पहले तो रूस के सरकार और रूस के राष्ट्रपति और रूस के विदेश मंत्रालय ने इसे डस्टबिन का कागज बताया। कहा, यह कूड़े का कागज है, ये कूड़े में जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में 110 देशों को बाकायदा आईसीसी यानी इंटरनेशनल आईसीसी के द्वारा इसे एक आदेश जारी किया गया था कि इसको फॉलो करना पड़ेगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यह कहा था कि 110 देश इस चीज़ को फॉलो करें और अगर पुतिन आपके देश में जाते हैं तो तत्काल उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। हालांकि आपको बता दें, 110 से ज़्यादा देशों को यह आदेश दिया गया था, लेकिन 110 देशों ने इस चीज़ को बाकायदा उन्होंने फॉलो किया और पुतिन को लेकर इस गाइडलाइन को स्वीकार कर लिया है। लेकिन आपको बता दें, रही बात भारत को लेकर, जब भारत को लेकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने भारत को आदेश देने की कोशिश की तो भारत की तरफ से फिलहाल रिएक्शन अपने दोस्त के प्रति रहा, रूस के प्रति रहा और पुतिन के प्रति रहा। और आपको बता दें, भारत ने आईसीसी की इस मांग को पूरी तरीके से खारिज कर दिया और इन 110 देशों को भी आईना दिखा दिया है। पुतिन की गिरफ्तारी को लेकर भारत ने पूरी तरीके से इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। आपको बता दें, रूस और यूक्रेन में हो रहे युद्ध को लेकर के युद्ध की भी कुछ गाइडलाइंस होती हैं। इन्हीं गाइडलाइंस का उल्लंघन करने का आरोप पुतिन पर है, जिस वजह से आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन पर को केस किया था और अब इस पूरे मामले में जो है वो पूरी तरीके से गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया। अमेरिका सहित कई पश्चिमी देशों ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खिलाफ युद्ध अपराधों के आरोपों पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का स्वागत भी किया, लेकिन चीन ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी को इस फैसले पर आड़े हाथों लिया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेवियान ने कहा कि न्यायालय को एक उद्देश्यपूर्ण निष्पक्ष रूप बनाए रखना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अधिकार क्षेत्र में राष्ट्राध्यक्षों की प्रतिरक्षा का सम्मान करना चाहिए। वांग ने न्यायालय से राजनीतिकरण और दोहरे मानकों को से बचने का भी आग्रह किया। दरअसल आपको बता दें, इस पूरे मामले में जहां 110 से ज़्यादा देशों ने आईसीसी की इस मांग को स्वीकार किया, वहीं भारत ने सिरे से खारिज कर दिया था। आपको बता दें, इसके अलावा चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से रूस यूक्रेन युद्ध पर टिप्पणी की गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यूक्रेन और संघर्ष का समाधान सिर्फ संवाद और बातचीत है। इसके अलावा चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपने राष्ट्रपति शी जिनपिंग की रूस यात्रा के बारे में बताए थे। हालांकि इस पूरे मामले में आपको बता दें, जो चीज़ें हैं वो यही है कि व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ ये अरेस्ट वारंट का आदेश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने दिया है और यूक्रेन पर हमला कई तरीके के अपराध किए हैं, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। इस पूरे मामले में जो है वो रूस ने कई तरीके के इंटरनेशनल लॉ के वायलेशन किए हैं, कई तरीके के कानूनों का उल्लंघन करके बर्बरतापूर्ण निर्ममता के साथ जो है वो हमला किया गया और बर्बरता और निर्ममता के साथ साथ रूस की सैनिकों ने जिस तरीके से यूक्रेनी महिलाओं के साथ बर्बरता की है, इस पूरे मामले में जो है आईसीसी इसी को लेकर के आक्रामक है। यही कारण है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में अब भारत ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए 110 देशों को आईना दिखाया है और पूरी तरीके से इनके बातों को सिरे से खारिज कर दिया है और एक बार फिर से दोस्त पुतिन का साथ दिया है। फिलहाल आप इसे कैसे देखते हैं, अपने सुझाव दें।